वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं जो अभी विज्ञापन आया है बीबीसी असिस्टेंट का, देख सकते हैं यहाँ पे हमारे स्क्रीन पे है 6/9 का ये नोटिफिकेशन है, 6/9/2018, ये 2022 का ये नोटिफिकेशन है। इसमें यहाँ पे नोटिस दिया गया है और इम्पोर्टेंट ये एडवर्टीजमेंट। चलिए इस एडवर्टीजमेंट को देखते हैं और क्या इसमें क्वालिफिकेशन है, कितना पोस्ट है, ये सारा देखते हैं। तो ये नोटिफिकेशन खुल चुका है, तो ये बीपीएससी असिस्टेंट का पोस्ट है। आप देख सकते हैं टोटल पोस्ट यहाँ पे 44 पोस्ट है। 44 पोस्ट के लिए ये रिक्रूटमेंट आया है और ये विज्ञापन संख्या है 6/2022। चलिए आगे देखते हैं क्या है इस नोटिफिकेशन में, कौन एलिजिबल होने वाला है, उन सभी चीज़ों को देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है, शैक्षणिक योग्यता वो स्नातक का डिग्री धारक होना चाहिए। जो भी स्नातक कर चुके हैं वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं और आवेदन प्राप्ति हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक, जो हमारा इस फॉर्म को भरने का जो लास्ट डेट है वो 30 तारीख है, और 30 तारीख तक बोल रहा है कि आपका स्नातक का डिग्री हो जाना चाहिए। वेतन भी अच्छा है, 44,900 से 1,42,400, ये लेवल 7 का पोस्ट है, ठीक है। आगे उम्र सीमा दिया गया है, तो उम्र सीमा में देख सकते हैं कि न्यूनतम उम्र जो है, न्यूनतम उम्र सीमा भी रखा गया है इसमें, 21 वर्ष है, और अधिकतम 37 वर्ष है पुरुष के लिए, अनारक्षित पुरुष के लिए। पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला के लिए 40 वर्ष है और अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष है। आगे अनुसूचित जाति और जनजाति का 42 वर्ष है। हमें लगता है कि सभी कोई इसमें लाई करेंगे क्योंकि तो बहुत यहाँ पे उम्र सीमा रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वैकेंसी में और क्या दिया गया है। देखिए अभी और एक बात है कि जो बिहार में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, बिहार राज्य के अधीन सरकारी सेवा के लिए राज्य सरकार की सेवा में आने के उपरांत अधिकतम 3 अवसर की सीमा होगी। जो ऑलरेडी मतलब बिहार राज्य में अभी जॉब कर रहे हैं उनके लिए मात्र 3 मौका ही दिया जाएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे कि जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई करें कि ना करें, क्योंकि आपको और भी जो फॉर्म आएगा वो सब में मिला के आप 3 ही फॉर्म भर सकते हैं। चलिए आगे है, अभ्यर्थी जब सुनिश्चित कर लेंगे प्रमाण पत्र जो भी आपका है वो आवेदन की अंतिम तिथि तक वैध हो, यानी वो वैध हो, जैसे अभी इसमें लिया जाएगा नॉन क्रीमी लेयर वगैरह, तो उसका 1 साल का रहता है, तो वो सब आप देख लीजिएगा कि हम एलिजिबल हैं कि नहीं। आगे है चयन प्रक्रिया। चयन प्रक्रिया क्या होने वाला है, इसमें दो चरण जो है कॉम्पिटेटिव एग्जाम होगा। उसमें पहला चरण, प्रथम चरण प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और फिर उसके बाद जो अभ्यर्थी पास करेंगे फिर सेकेंड में उसको बुलाया जाएगा। तो यहाँ पे दिया बोला जा रहा है कि विज्ञापन में ही कहीं पढ़े थे, तो 10 गुना वो सेकेंड के लिए बुलाएंगे। तो प्रारंभिक जो परीक्षा होगा उसका पैटर्न क्या होने वाला है देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है। उसका जो है 50 क्वेश्चन जो है सामान्य अध्ययन का होने वाला है, 50 क्वेश्चन सामान्य विज्ञान एवं गणित का होने वाला है, और 50 क्वेश्चन फिर मानसिक क्षमता यानी रीजनिंग का होने वाला है, और टोटल समय आपको दिया जाएगा 2 घंटा 15 मिनट, 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का यानी 150 मार्क्स का ये एग्जाम होने वाला है। और इसका माध्यम जो होगा वो माध्यम होगा हिंदी और अंग्रेजी दोनों होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम वाले छात्र के लिए दोनों आपको अवेलेबल होंगे, ठीक है। इसके साथ ही आप अगर चाहें तो पुस्तक भी लेके जा सकते हैं अंदर एग्जाम में, वो एक सामान्य ज्ञान का हो सकता है, एक गणित का और एक सामान्य विज्ञान का हो सकता है, ये 3 पुस्तक आप ले जा सकते हैं। लेकिन वह पुस्तक जो होना चाहिए कोई बोर्ड का होना चाहिए, NCERT का होना चाहिए, बिहार बोर्ड का होना चाहिए, फिर ICSE का बोर्ड का होना चाहिए, यही पूछता। इसके अलावा जो भी फोटोकॉपी गाइड वगैरह ये सब आप लेके नहीं जा सकते हैं। आगे फिर दिया हुआ है प्रारंभिक परीक्षा का क्या पैटर्न, क्या क्या पूछे जाएगा, उसका सिलेबस दिया गया है, तो सिलेबस आप लोग देख लीजिएगा, नीचे दिया गया है सामान्य अध्ययन का, गणित का, विज्ञान का, फिर रीजनिंग का।
ठीक है, ये सब देख लीजिए। आते हैं मुख्य परीक्षा पे। मुख्य परीक्षा जो है ना, मुख्य परीक्षा में दो पेपर होगा, एक सामान्य हिंदी जो कि क्वालिफाइंग नेचर होगा, जनरली सभी बच्चे ये कर लेते हैं, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। आपको मेन फोकस करना है मुख्य परीक्षा यानी पेपर टू जो होने वाला है उस पे। तो उसमें जो है प्रश्नों की संख्या जो है टोटल 150 होगी, सेम जैसे प्री का पैटर्न है और अभी जो बिहार SSC का भी यही पैटर्न है। तो यहाँ पे भी सामान्य अध्ययन 50 क्वेश्चन होगा और सामान्य विज्ञान और गणित 50 क्वेश्चन होगा, मानसिक क्षमता यानी रीजनिंग का भी 50 होगा। यहाँ भी माध्यम दोनों होगा, सेम पैटर्न है प्री के जैसा ही, टोटल 2 घंटा 15 मिनट। इस 15 मिनट को ना ही लें तो बेहतर होगा, क्योंकि वहाँ पे आपको फिर ये जो है OMR रंगना भी पड़ेगा, तो वो 15 मिनट तो आपका वहीं जाएगा, 2 घंटा ही मान लिया आपके लिए है 150 क्वेश्चन करने के लिए। तो उसी तरह फिर मुख्य परीक्षा का भी यहाँ पे सिलेबस दिया गया है, इन सब चीज़ों को आप जरूर देखें। इसका जो है लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आगे है मेधा सूची, जो प्रारंभिक परीक्षा में जो उम्मीदवार बैठेंगे उसका जो है जो रिक्ति का 10 गुना है, जितना रिक्ति अभी 44 आया है तो 44 का 10 गुना यानी 440 स्टूडेंट को बुलाया जाएगा अभी मेंस के लिए। मेंस के बाद फिर उनके बाद 44 सीट है, उस पर रिक्रूटमेंट होनी है। तो आरक्षण का लाभ दिया हुआ है, जो भी अब आरक्षण के लिए इसमें लाई करते हैं उन्हें जाति प्रमाण पत्र वगैरह और भी अस्थायी यानी मूल निवास जैसे डोमिसाइल करते हैं वो सब लगाना होगा। पिछड़ी वर्ग के लिए जो है क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र देना होगा, ये सब वगैरह है। उसके बाद फिर है ये सब, इसका कोड है अलग अलग जाति के लिए अलग अलग कोड बनाया गया है, जैसे SC के लिए 2, ये सब बाद में यूज होगा। आगे है इस विज्ञापन हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 के आधार पर निर्गत EWS पत्र मान्य होंगे, यानी EWS को भी जो आप बनवाएंगे वो 21-22 के आधार पर ही बनवाएंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे जो विज्ञापन के लिए है, ये EWS का जो है 21-22 का होना चाहिए। और भी दिया गया है कि विज्ञापन में वर्णित सर इसी प्रकार की छूट भी अंतिम रूप से मान्य होगा। ये सब सारे आरक्षण से नियम कानून है, इनको आप पढ़ ले, जो लाई करते हैं जैसे OBC में वो OBC का देख लेंगे। और आयोग द्वारा किसी भी समय मांगे जाने पर अभ्यर्थी को सक्षम पदाधिकारी निर्गत के लिए प्रमाण पत्रों के मूल प्रतियां सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। आयोग कभी भी मांग सकता है ये सब प्रमाण पत्र, क्या है मैट्रिक का प्रमाण पत्र, जन्म जन्मतिथि के साक्ष्य के लिए, स्नातक का डिग्री, स्नातक अंक पत्र। उसके बाद पिछड़ा वर्ग के लिए, पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, और ये सब जो है महिला के लिए जो उनके पिता के नाम से होना चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए वो इसमें डायरेक्ट लिखा हुआ है विगत 1 वर्षों के पूर्व उसको घोषणा पत्र देना होगा कि हम इसमें लाई करते हैं। अभी टाइम है, आप बनवा सकते हैं क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा 10 से 15 दिन में। तो ये सब सारी चीजें हैं, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ आवेदन शुल्क जो लगने वाला है 600 रुपये सामान्य विद्या अभ्यर्थी के लिए, और जो भी यहाँ पे आरक्षित महिला है, अनारक्षित महिला आरक्षित दोनों के लिए 150 लगने वाला है, और SC ST के लिए भी 150 लगने वाला है, और दिव्यांग के लिए भी 185 लगने वाला है। और जो बिहार अन्य इसके अलावा जो अभ्यर्थी बच जाते हैं जो बिहार से आएंगे बिहार के बाहर से आएंगे वो सब के लिए 600 रुपया लगने वाला है। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है इसका आवेदन प्रारंभ कब से होने वाला है। 7-9 से स्टार्ट हो चुका है और यह 30-9 इसका लास्ट डेट है आवेदन करने का। तो ठीक है, आप लोग जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को अप्लाई कर देंगे और भी ये सब है, कुछ इम्पोर्टेंट बातें आप पढ़ लीजिएगा।
बहुत अच्छी मतलब जॉब है, अच्छा पे स्केल है। तो इसी के साथ हम वीडियो अब समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में, और जो भी नए हैं चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए वीडियो का आपका नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।